हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हमारा फोकस होगा सिर्फ इन सभी कमांड्स पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहली कमांड है होल्ड ऑन, और यहां पर देख सकते हैं होल्ड ऑफ, देन होल्ड ऑल। इन सभी चारों कमांड्स में क्या डिफरेंस है। फिफ्थ कमांड है लिन स्पेस, इसका मतलब है लीनियरली स्पेस्ड वेक्टर्स। और लास्ट कमांड है दोस्तों सब प्लॉट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड इज सब प्लॉट। हम देखने वाले हैं कि इन सभी कमांड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं द एकेडमी प्लस फैमिली से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले आपको ओपन करना है एडिटर। मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इस सिंबल पर क्लिक कर देता हूँ, प्लस पर। न्यू स्क्रिप्ट आपकी ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही न्यू स्क्रिप्ट ओपन होती है, इसका नाम अभी मैंने असाइन नहीं किया है, अनटाइटल्ड 3 आप देख सकते हैं। सिंपली आपको कोड लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, जिससे कि आपका एक बहुत अच्छा ग्राफ जनरेट हो सके। मैं आपको बता दूं कि होल्ड ऑन की डेफिनेशन क्या होती है। होल्ड ऑन का मतलब है जब आपका एक ग्राफ बन चुका है, तो उसी ग्राफ के अंदर आपको दूसरा ग्राफ प्लॉट करना है, तो सिंपली आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग योर प्रोग्राम। नाउ x इज इक्वल टू linspace लिन स्पेस, एंड आपको यूज करना है पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट, और यहां पे मैं लिख देता हूं -π, π, और यहां पर आपको यूज करना है एंड में सेमीकोलॉन। दोस्तों, ये नई कमांड है x इज इक्वल टू लिन स्पेस, इसका मतलब होता है लीनियरली स्पेस्ड वेक्टर्स। अभी के लिए आप इस कमांड को लिख लें, और आने वाले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉलोन ऑपरेटर से कैसे डिफरेंट है। अभी हम एक सिंपल ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यूज कर देता हूं y1 sin(x). तो आपके पास दो वेरिएबल हो चुके हैं x और y1, तो इनके बीच में प्लॉट करना है, तो मैं कमांड यूज करूंगा प्लॉट x, y1। नाउ लेट्स से कि मुझे एक दूसरा ग्राफ भी प्लॉट करना है सेम ही ग्राफ के अंदर, तो इसके लिए आप यूज करोगे होल्ड ऑन, होल्ड स्पेस ऑन। यहां पर आपको एक नया वेरिएबल लेना है, लेट्स से मैं इसका नाम रखता हूं y2। y2 इज इक्वल टू cos(x), एंड देन सेमीकोलॉन and press enter. Now again you have to write plot x, y2. अब ये जो दूसरा ग्राफ आपका आने वाला है वो आएगा x और y2 के बीच में। पहला वाला प्लॉट आएगा आपका x और y1 के बीच में। आपका कोड कंप्लीट हो चुका है, योर प्रोग्राम इज कंप्लीट। आपको सिर्फ सेव करना है Ctrl+S, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स से मल्टीपल ग्राफ। ओके, सो सेव इट इन योर MATLAB एंड देन सेव। रन करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है, या फिर आप यूज कर सकते हैं शॉर्टकट F5। तो दोस्तों, जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं, रन करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास दो ग्राफ आ चुके हैं। तो x और y1 के बीच में जो ग्राफ है बेसिकली वो है आपका जो ब्लू वाला है, वो आपका कौन सा ग्राफ है x और y1 के बीच में, और रेड वाला जो है वो है आपका x और y2 के बीच में। होल्ड ऑन के बाद हम यूज करेंगे होल्ड ऑफ, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको रन करना है, और जैसे ही आप इसको रन करते हैं, जो ग्राफ है अगर उसको आप देखें, तो आपके पास सिर्फ एक ही आपके पास ग्राफ बचता है, दूसरा आपको नहीं दिखेगा। तो बेसिकली इसने किया क्या, जो आपका पहला वाला ग्राफ है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, और सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपका दूसरा वाला ग्राफ। सो दिस इज द यूज फॉर द होल्ड ऑफ। नाउ लेट्स ट्राई होल्ड ऑफ की जगह मैं यहां पे सिर्फ होल्ड यूज कर रहा हूं, और कुछ आपको नहीं लिखना। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको रन करना है। तो जैसे ही आप इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं आपके पास दोनों ग्राफ हैं, तो होल्ड और होल्ड ऑन बोथ आर सेम। अब आपके पास बचता है होल्ड ऑल, तो होल्ड ऑल को भी हम यूज कर लेते हैं। सिंपली आपको लिखना है होल्ड ऑल। तो जब भी आप कोई चेंज करेंगे, तो आप Ctrl+S करना ना भूलें, अदरवाइज आपने जो अपडेट किया है वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा आपके ग्राफ के अंदर।
तीनों जो कमांड्स हैं उनका मतलब एक ही होता है, सिर्फ आपका यहाँ पे जो डिफर करता है वो है होल्ड ऑफ। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन, x इज इक्वल टू लिन स्पेस माइनस पाई कॉमा पाई। दोस्तों इस कमांड को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस कमांड को सीधा सीधा आप यहां पर लिख लें कमांड विंडो के अंदर, x इज इक्वल टू लिन स्पेस माइनस पाई कॉमा पाई। तो जैसे ही आप इस कमांड को लिख लेते हैं उसके बाद एंटर प्रेस करें, आप देख सकते हैं कि आपको हमेशा जब भी आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको 100 वैल्यूज दिखाई देंगी। अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक बार दोबारा देखें कि मैंने क्या किया। मैंने लिखा माइनस पाई कॉमा पाई और यहां पर मैं लिख देता हूं कॉमा फाइव। ओके, प्रेस एंटर। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास अभी 5 वैल्यूज हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया है माइनस पाई कॉमा फाइव। तो इस फाइव का मतलब यही है कि माइनस पाई से पाई के बीच में आपके पास 5 वैल्यूज होंगी, 5 वैल्यूज होंगी। आप देख सकते हैं कि जो माइनस की वैल्यूज हैं वही आपकी प्लस की वैल्यूज हैं। सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है, माइनस और प्लस का, वैल्यूज वही हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनस 1.5708 यहाँ पर है तो जो प्लस की वैल्यू है वहां पर भी है 1.5708। नाउ इफ आई राइट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई कॉलोन पाई, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट सम डिफरेंट वैल्यूज। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सब प्लॉट, कि सब प्लॉट होता क्या है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो सब प्लॉट का मतलब होता है जब आपके पास बहुत सारे ग्राफ हैं और आपको कंपेयर करना है उन ग्राफ्स को एक दूसरे को देख के, तो एट ए वन प्लेस यू कैन ऑब्जर्व ऑल द ग्राफ्स एंड यू कैन कंपेयर देम। और हर ग्राफ की जो लोकेशन है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, जो बेसिकली कोऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं। लेट्स से कि मैंने एक जो कोड है वो लिखा हुआ है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस एस। इसको नाम हम देते हैं लेट्स से एस बी PLT सब प्लॉट एंड देन डॉक्यूमेंट मैटलैब देन ओपन एंड सेव। तो यहां पर आपका सेव हो चुका है, तो मैं इसको रन कर देता हूं। तो जैसे ही आप इसको रन करते हैं आप देख सकते हैं इसका ग्राफ, बेसिकली आपके पास दो ग्राफ जनरेट हो चुके हैं क्योंकि मैंने यहां पर दो ग्राफ बनाए हैं, दो कमांड यूज की है प्लॉट एक्स कॉमा वाई वन। एक ग्राफ है आपका x और y1 के बीच में जो पहला वाला ग्राफ है, और जो दूसरा है वो है x और y2 के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी कमांड भी यूज की है मैंने प्लॉट। ओके, एक बार यहां पर और दूसरी यहां पर, और दोनों बार मैंने यूज किया है सब प्लॉट क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है कि ये जो प्लॉट होने वाला है इसको कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आपको रखना है और जो दूसरा प्लॉट है इसको कौन से क्वाड्रेंट में आपको रखना है। देखिए जैसे मैंने लिखा है 2,1,1 सब प्लॉट 2,1,1, तो इसका मतलब क्या है, इस 2,1 का मतलब है कि टू रोज हैं आपके पास और एक कॉलम है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज रो नंबर वन जिसमें पहला ग्राफ है आपका और दूसरी रो के अंदर आपका दूसरा ग्राफ है और एक आपके पास कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है। सो दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज नोन एज सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, अगर मैं इसकी जो लोकेशन है वो उसको चेंज करना चाहता हूं तो आपको सिंपली यहां पर कुछ चेंज करना है। ठीक है, सब प्लॉट जैसे मैंने लिखा है सब प्लॉट, मैं यहां पर कर देता हूं 3,3 और यहां पर 1 को ऐसे ही छोड़ दें। अब आपको चेंज करना है यहां पर। ओके, यहां पर लिखिए 3,3, यानी तीन रो होंगी आपकी और तीन कॉलम होंगे, और यहां पर मैं कर देता हूं इसको 5 और इसको सेव कर दें। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, रन करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास तीन रोज हैं। फर्स्ट रो, दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड रो और दिस इज योर थर्ड रो। आप यहां पर देखें कि मैंने लिखा है सब प्लॉट 3,3,1, तो इसका मतलब है कि आपके तीन रो हैं, तीन कॉलम हैं
तो इसमें से जो फर्स्ट वाला आपका लोकेशन है वहां पर ये लाई करेगा, जो पहला वाला ग्राफ है। ओके, तो इसमें आपका जो लोकेशन है वो कैसे डिसाइड होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट एंड नाइन। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला प्लॉट है वो बेसिकली आपका लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो आपका दूसरा वाला ग्राफ है वो लाई करता है फिफ्थ क्वाड्रेंट में। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है वो ट्राई कर सकते हैं। आप यहाँ पर 4.4 करें और फिर देखें कि क्या वो पॉसिबल है, 5.5 एक बार लिख कर देखें और ट्राई करें कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। एंड लेट मी नो योर आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।